अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टी प्रोग्राम फिक्स्ड टास्क, MFT इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये जो है ये वन ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है। इन दिस टेक्निक मेयर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टैटिक पार्टीशंस एट द सिस्टम जनरेटेड टाइम। और जो एक प्रोसेस होता है वो लोड भी हो रहा होता है कभी कभी जा भी रहा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इसके लिए मेमोरी मैनेज करता है। और मतलब पार्टीशंस में अकॉर्डिंग टू प्रोसेस वो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी असाइन करता है। इन दिस ओएस, इन दिस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, द ओएस ऑक्यूपाइज द लो मेमोरी एंड द रेस्ट ऑफ द मेन मेमोरी इज़ अवेलेबल फॉर यूज़र स्पेस। मतलब जो बाकी जो रह जाती है वो जो होती है वो यूज़र के लिए होती है। दिस गेम सफर्स फ्राम इंटरनल एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब देख लेते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होती है। फ्रेगमेंटेशन जैसे कि एक प्रोसेस आ भी रहा होता है मेमोरी में और एक प्रोसेस जा भी रहा होता है, तो उस दौरान जो होती है मतलब कोई प्रोसेस छोटा होता है कोई प्रोसेस बड़ा होता है, तो उसी अकॉर्डिंग जब छोटा प्रोसेस जाता है तो थोड़ी स्पेस रह जाती है और जब बड़ा प्रोसेस जाए तो बड़ी स्पेस बन जाती है। तो इस दौरान मतलब कभी ऐसा प्रोसेस भी आ जाता है जिसके लिए मेमोरी तो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है लेकिन जो साइज़ भी हमारे पास पड़ा हुआ होता है वो थोड़ा पड़ा हुआ होता है। ऐसे में जो हमारे बाकी जो प्रोसेस होते हैं ऐसे काफ़ी जो ब्लॉक्स होते हैं वो ऐसे भी रह जाते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं लेकिन प्रोसेस बड़ा होता है, तो काफ़ी सारे अलग अलग ब्लॉक्स पड़े होते हैं लेकिन वो अनयूज्ड होते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। इसकी टू टाइप्स होती हैं, एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है और एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है। जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है इसमें क्या होता है, जो मेमोरी ब्लॉक होते हैं वो असाइन होते हैं प्रोसेस को जो बड़ा प्रोसेस होता है, लेकिन इसके अंदर जो होता है सम ऑफ जो इसका पोर्शन होता है वो रह जाता है क्योंकि जो बड़े ब्लॉक्स होते हैं उनको, जो बड़े प्रोसेस होते हैं उनको बड़े ब्लॉक्स मिल जाते हैं। और इस तरह से जो कुछ मतलब अगर जो साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है तो इस तरह से जो मेमोरी होती है वो रह जाती है कुछ, और ना इस तरह से जो होती है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि रिक्वायर्ड तो ज़्यादा होता है लेकिन जो प्रोसेस होता है वो हमारा बड़ा होता है, प्रोसेस बड़ा होता है लेकिन इसके अंदर जो स्पेस होती है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। और जो फ्री मेमोरी होती है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, फिर उसको हम टुगेदर कर देते हैं और उसको हम बड़ा ब्लॉक बना देते हैं। और इसके ये किसके ज़रिए होता है, कंपैक्शन के ज़रिए। हम लोग इसके कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है। डिफरेंस जो इसमें होता है वो ये होता है कि मेमोरी जो स्पेस होती है और वर्सेस अलॉटेड स्पेस, मतलब ये वाली जो प्रॉब्लम होती है ना ये होती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में, जबकि इसमें क्या होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में ये होता है कॉन्टिग्यूस मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं विच कैन नॉट बी असाइन टू एनी प्रोसेस, जो कि किसी जो क्योंकि वो स्मॉल होते हैं तो इसलिए वो किसी जो प्रोसेस को वो असाइन नहीं हो पाते। और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर कब होती है, जब अलॉटेड मेमोरी ब्लॉक्स फिक्स साइज़ के होते हैं। और जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है वो तब अकर होती है व्हेन अलॉटेड मेमोरी ब्लॉक्स ऑफ वेरिंग साइज़, जब वो साइज़ पे वेरी कर रहे होते हैं अक्रेंस। और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कब अकर होती है, व्हेन प्रोसेस नीड्स मोर स्पेस दैन द साइज़ ऑफ अलॉटेड मेमोरी, मतलब उसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है जितना उसको अलॉट किया जाता है। और जो यूज़ होती है वो लेस स्पेस होती है, और जबकि उसको जो दी जाती है वो ज़्यादा स्पेस दी जाती है। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कब अकर होती है, व्हेन अ प्रोसेस रिमूव फ्रॉम द मेन मेमोरी, जबकि मेन मेमोरी में से जो प्रोसेस है वो रिमूव हो जाता है। बाकी इसका जो सॉल्यूशन है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का वो है बेस्ट फिट ब्लॉक सर्च, और जो इसका एक्सटर्नल का है वो है कंपैक्शन। हाँ, और हम देख लेते हैं, अब हम लोग इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें सही से समझ आ जाएगी। इसमें क्या है, हमने हम लोग टोटल मेमोरी लेंगे उसके अंदर प्रोसेस देंगे और मतलब फिर देखेंगे कि हमारा जो है वो प्रोसेस असाइन हुआ है या नहीं।
सबसे पहले क्या ले रहे हैं, हम एक एंटर करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, टोटल मेमोरी। एफ जो होता है वो क्या डिस्प्ले करवाता है, मतलब ये जो परसेंटेज एफ है ये फ्लोटिंग वैल्यू को डिस्प्ले करवाता है, और जो ये वाला परसेंटेज डी है ये क्या शो करवाता है, जो डेसिमल जो इंटीजर नंबर जो वैल्यू होती है ना उसको डिस्प्ले करवाता है। प्रिंट एफ एंटर टोटल मेमोरी, टोटल मेमोरी को हम एंटर करवाएंगे, एंटर द प्रोसेस हम प्रोसेस को एंटर करवाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल मेमोरी होगी उसको डिवाइड कर देंगे, किस पे प्रोसेस पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मेमोरी आ जाएगी हमारे पास रिमेनिंग। और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हमने एक लूप लगाया फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन पी, पी में क्या है प्रोसेसेस, और आई प्लस प्लस, ए ऑफ आई में क्या आता जाएगा बी, कब तक आता जाएगा, इतने प्रोसेसेस हैं जब तक प्रोसेसेस चलते रहेंगे। हमने यहाँ पे एक और लगा लिया फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन पी, मतलब जब तक प्रोसेस से आई लेस देन रहेगा तब तक क्या हो जाए, लूप चलता रहेगा। प्रिंट क्या करवा दे, एंटर मेमोरी फॉर प्रोसेस, आई के लिए हम लोग मेमोरी इंटर करवाएंगे। फिर क्या करेंगे, मतलब वन बाय वन हम लोग ऐसे प्रोसेसेस मेमोरी एंटर करवाते जाएंगे। ठीक है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फॉर ब्लॉक, इसके लिए जो हमारे पास इंटरनल, अगर टेम्प टेम्प में क्या आ जाएगा, हमारे पास टेम्प के अंदर हमारे पास आ जाएगा प्रोसेस, एंटर मेमोरी, मेमोरी फॉर प्रोसेस जो है वो टेम्प के अंदर आ जाएगा। फिर हम टेम्प को चेक करेंगे लेस देन इक्वल्स टू बी, क्या जो प्रोसेस का जो अपना साइज है वो उससे लेस है, तो क्या करेंगे, जो सी ऑफ आई है, सी ऑफ आई के अंदर क्या है इक्वल्स टू सी ऑफ आई का हम क्या सेंड करेंगे, ए ऑफ आई माइनस टेम्प, ए ऑफ आई के अंदर जो है वो माइनस टेम्प, टेम्प में क्या है मेमोरी का जो हमें साइज़ मिला होगा। एंटर मेमोरी फॉर प्रोसेस, प्रोसेस का साइज हम किसमें से माइनस कर देंगे, ए ऑफ आई, ए ऑफ आई के अंदर क्या पड़ा होगा, वन बाय वन जो प्रोसेस हैं उनके साइज। क्या करेंगे, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फॉर दिस ब्लॉक हमें मिल जाएगी, तो हम उसको क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। और फिर इसी तरह से अगर हमारे पास जो है वो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर हमारे पास नहीं है मेमोरी, तो फिर क्या करेगा, रिक्वायर्ड मेमोरी इज़ नॉट अवेलेबल, अवेलेबल नहीं होगी, और फिर उसके बाद वो हमें टोटल बता देगा, टोटल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, वो हमें फिर फ्रेगमेंटेशन बता देगा, और फिर उसमें से हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे। नाउ वी विल स्टार्ट, इसको रन करके चेक कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, एंटर द टोटल मेमोरी, हमारे पास कितनी मेमोरी अवेलेबल है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 10, और एंटर द प्रोसेसेस, प्रोसेसेस हमारे पास कितने हैं 3, एंटर मेमोरी फॉर 0 प्रोसेस, 0 प्रोसेस के लिए हम लोग मेमोरी एंटर करते हैं विच इज़ 3, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फॉर दिस ब्लॉक 0, इसके अंदर कोई भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं है। अब एंटर मेमोरी फॉर प्रोसेस 1, वन के लिए हम एंटर करते हैं, अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फॉर दिस ब्लॉक इज़ 1, मतलब इसके लिए जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है वो 1 है, क्योंकि ए 1 जो है वो रिमेनिंग है। आप क्या करते हैं, हम 3 के लिए 2 के लिए एंटर करते हैं, इसके लिए हम 4 करते हैं, और रिक्वायर्ड मेमोरी इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि वो जो है वो यूज़ हो चुकी है। एंटर मेमोरी फॉर प्रोसेस 2 4, और ये अब रिक्वायर्ड मेमोरी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इंटरनल फ्रेगमेंट टोटल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज़ 2, हमारे पास जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बन गई है वो 2 बन गई, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फॉर दिस ब्लॉक 1 है, लेकिन जो टोटल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, क्योंकि पहले वाले भी इंक्लूड हो गए, यहाँ पे जो ब्लॉक बना था 1 और ये वाला इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ब्लॉक 1, ये वाला, ये दोनों ऐड होके हमारे पास कितनी बन गई है, 2 बन गई। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको इशू हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।